हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके अपने चैनल फेवर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज के कल हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। तो यही है पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। तो अब कर रहा है ए बी का 150% है, अगर ये 100 है तो ये कितना है 150 है। आगे बोल रहा है कि बी सी का 40% है, जो बी है वो सी का 40%, सी का 100 है तो ये कितना है 40% है। और कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है 2b 3c-4a, ये आप इसका मान पूछा है। इसका मतलब क्या है, आपको एबीसी की मान निकालना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो देखो सबसे पहले करना क्या है, इसको रेशियो अरेंज करोगे, जीरो जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, जीरो जीरो काट दोगे, 2 से काटोगे 2 बार, इसे काटोगे 5 बार। देख लो बी कितना है, दोनों में सेम है, तो रेशियो क्या आएगा ए और बी का, ए बी सी का 3:2:5, तीनों का योग कितना है 10, 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। यहां से मान निकालोगे 1 की वैल्यू 2 आई, आपको मान कितना चाहिए इसका, ठीक है। तो रेशियो में निकाल लो 2b का मान यहां रखो कितना आएगा 4, सी 3c का मान रखो कितना आएगा 15, माइनस 4a 4 3 12, ठीक है। इसका मान निकालोगे 15 में घटाओगे तो 3 और 3 जोड़ोगे इसमें कितना आएगा 7, मतलब 1 का मान 2 है तो 7 का मान निकालो, क्योंकि इसको सॉल्व किया तुमने कितना आया 7, तो 1 का मान 2 निकाला था, 7 का मान पूछ रहा है कितना आएगा 14 है। आपका ये आंसर है, आपका ऑप्शन है बी, बी आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आपको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्या आपसे क्वेश्चन आ रहा होगा, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या में 2018 में 15%, 2019 में 10% वृद्धि हुई, एक महामारी के कारण 2020 में इसमें 10% की कमी हुई, तो 3 वर्षों में शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये करते हैं, आपने कर लिया होगा कुछ कर ली होगी, अब ये करते हैं। तो करने का ये क्या है, पहले कह रहा है कि 15% की वृद्धि हुई, तो इसके फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से कितना हुआ 23 हुआ आपका। और फिर कह रहा है कि 2019 में 10% की वृद्धि हुई, कितना 1/10, तो 10 से कितना हुआ 11 हुआ। और फिर तीसरी साल 2020 में 10% की फिर कमी हुई, इसका मतलब क्या है 10 से कितना हुआ 9 हुआ। और सिंपली तीनों का पूछ रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा तुम्हारा 2000 तुम्हारा ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम इसे बड़ा करोगे, 27 2 18 और 2 20, और फिर 11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 2 2 कितना आया 2270, ठीक है। इतनी वृद्धि होगी, देख लो कितनी वृद्धि हुई आपकी 270 वृद्धि हुई है, 270 कितने पर 2000 रुपये पर इंटू 100, ये परसेंट है आपका, यहाँ से ये काटोगे ये कट जाएगा तुम्हारा। और उसे भाग करोगे 2 का और 0 से पॉइंट जाएगा 1 के बाद, तो उसे भाग करोगे 2 × 2 2 × 3 6 और 8 × 3 8 × 2 16, 1.5 आएगा आपका 5 10 बट्टे कितना आया आपका 10 बचा तुम्हारा ये, तो 1 वहाँ पॉइंट और लगेगा कितना आएगा 13.85%, इतने की आपकी वृद्धि हुई है। अब ऑप्शन है सी, ये बात दोबारा समझा देता हूँ आपको, करना क्या था, पहले क्या था 15% की वृद्धि हुई, 15% क्या होता है 3/20, मतलब 20 से 23 हुआ कोई, फिर 10% की वृद्धि हुई तो 10 से 11 हुआ, फिर 10% की कमी हुई 10 से 9 हुआ। तीनों ही पूछ रहा है कि शुरू से लेकर 2018 से लेकर 2020 तक का कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3000, 23 11 9 का मल्टीप्लाई करोगे 2270, तो देखो कितनी वृद्धि हुई है 2000 से 2270 हो गया आपका, 270 की वृद्धि हुई है कितने पर 2000 पर इंटू 100, तो परसेंटेज निकालो कितना आएगा 23.85% की आपकी वृद्धि हुई है। एक तरीका आपका ये है, अगर दूसरे तरीके से करना चाहें हम तो किस तरीके से करेंगे, देखिए
अगर हमने मान लिया कि शुरुआत में कितनी थी, 100 थी, तो अब कह रहा है कि पहले 15% की वृद्धि हुई, अगर 15% की वृद्धि हुई आपकी तो कितना हो गया 115, 100 का 15 निकालो कितना 15, 115 बढ़ गए तो कितना हो गया 115। अब कह रहा है कि फिर इसमें 10% की वृद्धि होगी, अब फिर इसकी 10% की वृद्धि करोगे तो कितना आएगा 11.5 होगा, तो 11.5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका 126.5। अब फिर कह रहा है कि फिर इसमें कमी हो गई, अगले साल कोई महामारी फैल गई आपकी, तो इसमें 10% की कमी हो गई, अब इसमें 10% की कमी करोगे, ये प्लस था, यहाँ कमी करोगे तो कितनी कमी हो जाएगी आपकी 12.65, इतनी कमी हो गई, तो यहाँ घटाओगे इसमें से 12.65, तो घटाओगे कितना 5, और तुम्हारा 4 14 5 8 और 4 2 सॉरी 3, और यहाँ घटाओगे तुम्हारा चाहिए कितना 12, ये हो जाता तुम्हारा, एक मिनट, ये हो जाता तुम्हारा 113.85, कितना हो गया 113.85, इतना हो गया, ठीक है। अब देखोगे पहले कितनी थी आपकी 100, लेकिन कितनी रह गई आपकी 113.85 होगी, तो देख रहे हो कितने की वृद्धि हो गई, 100 से 113.85 होगी तो कितने की वृद्धि हो गई 13.85% की, क्योंकि 100 पर हुई है और 100 पर निकालो ये मान क्या होता हमारा परसेंट, ये हमारा आंसर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष हैं, अगर मान लिया 100% टोटल मतदाता थे तो उसमें से पुरुष कितने, मैन कितने हैं 55%, तो महिलाएं कितनी होंगी 45%, ठीक है। और आगे बोल रहा है यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, इसमें से अगर 40% नॉन लिटरेट मतलब पढ़ लिखे नहीं है कितने 40%, तो 60% कैसे होंगे लिटरेचर होंगे, शिक्षित होंगे 60%, और कह रहा है और तथा महिलाएं शिक्षित हैं, मतलब 40% महिलाएं कैसी हैं शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितनी होंगी 60%। तो उसने पूछा आपसे महिला जो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या से कितना परसेंट है, तो पहले अशिक्षित पुरुष निकालोगे और अशिक्षित महिला निकालोगे, तो इसे पूछ रहा था कि जो महिलाएं हैं शिक्षित पुरुष से कितना परसेंट अधिक हैं, तो यह निकालोगे 55 का 40% अगर निकालोगे आप, ये कट जाएगा, 2 से काटोगे, ये 5 हुआ कटे, 5 से काटोगे 11 बार 11 दूनी 22, तो कह सकते हैं 22 पुरुष अशिक्षित थे, और यहाँ 60% निकालोगे 45 का, क्योंकि 60% अशिक्षित ही महिलाएं, तो यहाँ से काटोगे ये 3 बार, ये 5 और 5 से काटोगे ये 9 बार 9 3 27, तो बोल सकते हैं 27 महिलाएं अशिक्षित थी, पुरुष कितने अशिक्षित हैं 22, महिलाएं कितनी अशिक्षित हैं 27, तो कितने अधिक कितनी अधिक महिलाएं अशिक्षित हैं 5 अधिक थी, कितने पर 22 पर इंटू 100, यहाँ से करोगे 11 2 से काटोगे 11 बार 2 से काटोगे 50 बार, गुणा करोगे 250 बट्टे 11, और यहाँ भाग करोगे 11 दूनी 22 3 बचा 11 दूनी 22 बचा तुम्हारा बचा 8, तो 8 बट्टे 11 ये आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन है आपका पहला 22.7, और भाग कर दोगे तो 22.7 आएगा, 22 से देख के लगा सकते हो कि 22 के एक ऑप्शन में था ए ऑप्शन में, आपका ये आंसर है, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि किसी वस्तु कीमत में 28% की वृद्धि हो जाती है, हालांकि उस पर हुए खर्च में केवल 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है, हिंदी में गलत दे रहा है, ये इसके अनुपात की जगह इसका हुआ खपत, खपत का रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए जब आप खर्चा निकालते हो तो क्या होता है कीमत इंटू खपत, खपत होती है किसी का सामान कितना इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है वो होता है, और कीमत कितने कितने प्राइस से आ रहा है, और खपत का रेशियो निकालना है तो कीमत का भाग करना पड़ेगा खर्चे में, तो आपका खपत का रेशियो निकल आएगा खर्चा बट्टे कीमत, ये निकल के आएगा, ये फॉर्मूला बनेगा आपका, अगर खपत निकालनी है तो क्या होता है खर्चा बट्टे कीमत। तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति की उसको मतलब
खर्चे में केवल 12% ही वृद्धि हुई है, तो 100 से कितना हुआ है 112, और केवल कीमत में 28% की वृद्धि हुई है, तो खर्चे में भाग करो कीमत का, अगर 100 थी पहले तो कितना हो गया 128, यहां से निकालोगे इसे भेजोगे तो 128 से कितना हो गया 112, तो चाहो तो यहाँ पे काट सकते हो, इसे चार से काटोगे, चार तीया 12, चार दुनी 8 और चार दुनी 8 8 32, अब फिर काटना चाहो तो फिर काट सकते हो 8 8 32 7 4 28, 8 से 7 खर्चा खपत रहेगी तुम्हारी, कितना कम हुआ 1, कितने पर 8 पर इंटू 100, 1 और 8 क्या होता है 12.5% की क्या आएगी आप देख रहे हो कमी, क्योंकि 8 से 7 रह गया तो कितनी कमी रह गई 8%, सॉरी 12.5% की कमी रह गई आपकी, ये आपका आंसर है, अभी आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय का 40% कम है, ठीक है, तो ए की आय आप इसकी में देख सकते हो, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो 40% 2/5, बी की आय से ए की कम है, तो अगर बी की 5 है तो ए कितनी होगी 3, जो कम है, तो अब कह रहा है ये यदि ए की आय 25% बढ़ा दी जाए और बी की आय 40% बढ़ा दी जाए तो दोनों की ओवरऑल कितनी बढ़ेगी, तो जो करने के तरीके इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, परसेंटेज लगा सकते हो, तो परसेंटेज से करना चाहो तो यह रेशियो है, तो हम यहाँ परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 और 500, तो करना क्या है, अगर 301 का पर इनकम थी उसमें 25% वृद्धि होगी तो कितनी वृद्धि हो गई, 300 का 25% निकालो कितना 75, 400 500 का 40% निकालो कितना वृद्धि 200, तो देख रहे हो ए का 75 बड़ा बी का 200 बड़ा, तो दोनों का कुल मिलाकर कितना बड़ा है 275, कितने पर दोनों कितनी थी 800, 300 इसकी 500 इसकी, कितनी 800 पर इंटू 100, यहां से ये कर निकालोगे तुम, अब क्या करना भाग करना है सिर्फ आपको 275 में 8 का भाग करोगे, 8 3 24 कितना 3 35 8 4 32, कितना 3 और 4 पॉइंट लगाओगे 0 हो जाएगा आपका, और 8 3 24 6 5 60 7 8 56, कितना आएगा 34.37, आपका ये आंसर आएगा, आपका आंसर है इसमें डी ऑप्शन है 34.38, आगे और भाग दोगे आगे भी जाएगा, एक तरीका आपका ये था, दूसरा तरीका एलिगेशन से कर सकते थे, अगर मान लिया कि आप ए और बी 25% बढ़ी थी, इसकी 40% वृद्धि हुई थी, लेकिन पहले इनकम कितनी थी 3 और 5 के रेशियो में थी, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 75%, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 200, दोनों कितनी बढ़ गई 275, कितने पर दोनों पर कितना है 8, तो 8 से भाग करोगे कितना आएगा 34.37 लगाओ में जाएगा परसेंट, क्या आंसर आएगा, इसमें एलिगेशन भी ले सकता है, वो हम किसी एलिगेशन के टॉपिक में करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या पी एक अन्य संख्या क्यू से 20% अधिक है लेकिन संख्या आर से 10% कम है, तो आपकी संख्या है 3 पी क्यू आर, ये आपकी संख्या है, कह रहा है पी क्यू से 20% अधिक है, तो 20% फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5, Q से 20% अधिक है तो 5 क्यू है, तो पी कितनी होगी 6, जबकि बोल रहा है कि R से 10% अधिक है, तो 10% कम है, 10% 1/10, अगर R 10 है तो P कितना है 9 है आपका, क्योंकि P की बात की आ रही थी, अब देख रहे हो यहाँ भी P है यहाँ P है, तो जबकि ये दोनों कितना अलग अलग है, तो सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से गुणा कर दो, क्यों 18 हो जाएगा, तो गुणा करोगे कितना आएगा 18 है, इसमें गुणा करोगे 15 है, और इसमें 2 गुणा करोगे कितना आएगा 20, अब क्या ये आपका रेशियो आ गया 18 15 20, तो आगे पूछ रहा है क्यू आर का कितना परसेंट है, जो क्यू है आर का कितना प्रतिशत है, यहां से काटोगे 5 बार 15 15 75, कितना आएगा आपका आंसर 75% है, आइए आपको समझ में आएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा, तो आपने आप लोग कर सकते हो, तो आइए हम लोग करते हैं,
किराए के 20%, तो 20% फ्रैक्शन इक्वल टू 5, आपको फ्रैक्शन याद हो गई होंगी। और याद रखना कि प्राइस का रेशियो हमेशा वस्तु के रेशियो के रिवर्स होता है, क्योंकि हम जब भी रेट लिखते हैं रुपए प्रति वस्तु लिखते हैं हमेशा, तो रुपए ऊपर आता है वस्तु हमेशा नीचे आता है, देखिए रिवर्स होता है दूसरे के, तो रिवर्स ही होता है। अगर प्राइस तुम्हारा कह रहा है कि 20% कमी हो जाती है, तो प्राइस क्या होगा, 5 से 1 कम हो जाएगा, अगर पहले 5 था तो 4 होगा, तो वस्तु का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 4 से 5 हो जाएगा आपका। कितना अधिक खरीद रहा है एक, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो एक की वैल्यू 6 किलोग्राम है, तो अभी कितना खरीद रहा है, 5, तो एक की वैल्यू 6, 5 की वैल्यू 30 किलोग्राम, और पहले कितना खरीद रहा था, 24 किलोग्राम। तो पूछ रहा वर्तमान मूल्य कितना है, तो अगर ये कितना पूछता कि प्रारंभ में खपत कितनी कर रहा है वो 30 किलो की, शुरुआत में कितनी खपत कर रहा था 24 किलो की, अगर पूछ रहा है कि वर्तमान में रेट क्या है, तो बताओ 960 रुपये में 30 किलो खरीद के लेके आ रहा है, क्यों अभी 30 किलो खरीद रहा है 960 रुपये में, पहले भी 960 रुपये में 24 किलो खरीद रहा था, तभी तो 960 रुपये में 6 किलो अब अधिक खरीद रहा है क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो यहाँ से रेट निकालोगे, इससे काटोगे, कितना आएगा 32 रुपये प्रति किलोग्राम, ये अभी का है घटने के बाद। अगर शुरुआत का पूछता तो 960 बटे 24, ठीक है, यहाँ से इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 40 बार, तो यहाँ रेट कितना था 40 रुपये प्रति किलोग्राम, ये प्रारंभिक था, ये आपका वर्तमान मूल्य है। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो एक बार वीडियो बैक कीजिए और दोबारा देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 30 संख्या से क्रम से 37% और 30% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो ये 3 संख्या आपकी, पहली दूसरी और तीसरी, अगर तीसरी से कंपेयर करा रहा है तो तीसरी ने 100 मान ली, तो जो पहली वाली है ये 37% कम है, ठीक है, तो 37% कम है, 100 का 37% कितना आएगा, 37 कम हो जाएगी, कितना आएगा आपका 63, मतलब पहली संख्या 63 थी और दूसरी संख्या 30 संख्या से 30% कम है, तो कितना होगी 70 होगी आपकी, क्योंकि अगर तुम 100 का 30% निकालोगे कितना आएगा 30 कम है, तो 100 से 30 माइनस करो कितना आएगा 70%, ये 63 है। तो आपसे पूछ रहा था कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, देख रहे 63 17 कितना अधिक है 7, कितने से पहली संख्या से इंटू 100, यहां से काटोगे 9 बार भाग करोगे तो 100/9, ये आगे आपका आंसर 100/9% जो आपके ए ऑप्शन दिया हुआ है। कभी कभी इसको अगर भाग कर दोगे तो आपका 11 सही 1/9%, ये भी ऑप्शन आ सकता है, लेकिन आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ है, आपका आंसर ये हो जाएगा, ये हमारा सही है क्योंकि भाग कर दिया है इसमें। आइए ऑप्शन, तो ये अगला ऑप्शन कह रहा है आपका गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाता है, तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए अगर मान लो कि पहले वो 800 रुपये कमाता था, ठीक है, अब वो 960 रुपये कमा रहा है, तो कितने परसेंट की कितनी वृद्धि हुई, 160 की, कितने पर 800 पर इंटू 100, यहाँ से काटोगे कट जाएगा, यहाँ से काटोगे कितना आएगा आपका 20%, क्यों 8 से काटोगे 16 दूनी 8 दूनी 16 और 0 20%, ये आपका आंसर है। अभी आपको समझ आया होगा, अभी आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। कह रहा है रमेश अपनी मासिक वेतन में 26 सही 2/3% बचाता है, 20% खर्चा बढ़ जाने पर, 20% खर्चा बढ़ जाने पर वह प्रतिदिन, अगर उसकी सॉरी ये नहीं था नहीं रहा, खर्चा 20% बढ़ जाने पर वह प्रतिदिन प्रति माह 4,080 रुपये बचाता है, तो उसके मासिक वेतन कितना है। देखिए अगर बात की जाए कितना बचाता है 26 सही 2/3%, अगर इसको सॉल्व करोगे 36 18 2 20 और 60 कितना आएगा 80/300, यहाँ से सॉल्व करोगे कट जाएगा, दो से काटोगे 4 बाय 15 बार कितना आएगा 4/15। अगर उसकी इनकम 15 है, इनकम 15 है तो इनकम नीचे होती है,
तो सेविंग कितनी कर रहा है वो, चार की, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है आपका वो, ग्यारह। अगर 15 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्च कर रहा है, तो मतलब खर्च कितना करेगा, 11 रुपये। तो आए कह रहा है ये खर्चा 20% बढ़ जाने पर, अगर खर्चा 20% बढ़ा दिया उसने, ठीक है, खर्चा 20% बढ़ाएगा इसका, तो 11 का 20% निकालोगे कितना आएगा आपका, आपका आएगा 2.2 हो जाएगा आपका, तो कितना आएगा 13.2, इतना हो जाएगा आपका। लेकिन इनकम तो उतनी ही है आपकी, ठीक है, तो अब देख रहे हो इतना हो गया, तो अब सेविंग कितनी करेगा, सेविंग करेगा 1.8 की, ठीक है, सेविंग कितनी करेगा 1.8 की। और पूछना बोल रहा है कि ये अपनी सेविंग 4,080 रुपये बचाता है, लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है 1.8, तो इसकी वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा 4,80/1.8। और पूछ रहा है आपसे कि उसकी इनकम कितनी है, तो मासिक इनकम है, तो कितने इनकम थी 15, आप 15 का आंसर निकालोगे। दोबारा को बताता हूँ, मैं आपसे कह रहा था कि अगर उसकी इनकम, यहाँ दोबारा बताते हैं, 26 से 2/3% बचाता है, तो उसकी फ्रैक्शन करोगे कितना आएगा 4/15। अगर 15 इनकम है और 4 बचाता है, तो कितना खर्च करेगा 11। और कह रहा है अपने उसने अपनी जो था खर्चा, उसका खर्चा उसने 20% बढ़ा दिया, तो 11 का अगर 20% निकालोगे कितना आएगा आपका, यहाँ जीरो कट जाएगा, 11 × 22 2.2, इतना हो गया, 11 से 2.2 बढ़ गया, मतलब 2.2 बढ़ गया, तो 11 में जोड़ो कितना हो गया 13.2। तो इनकम कितनी थी उसकी 15, खर्चा कितना कर रहा है 13.2, तो बचा है कितना 1.8। और क्वेश्चन बोल रहा है कि बचा कितना रहा है 4,80, तो 1.8 की वैल्यू कितनी है 4,80, और निकालने की थी 15 की थी, तो इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट आओगे जो जीरो उठ जाइए, 3 से काटोगे 5 बार 3 से काटोगे 9 बार तुम्हारा, ठीक है, सॉरी 6 बार, कितने लगे 6 से काटोगे 6×36 4 जा और 8 6 48 गुणा, ये तुम्हारा दो जीरो और आई है आपकी, गुणा 5, और गुणा करोगे 8×5 40 4 जा 5 31 और 34, उसका इनकम कितनी है उसकी 34,000 रुपये। अभी आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटर था, कुछ नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है, श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है, तो देखिए ये कह रहा है 40% अधिक है, तो 40% फ्रैक्शन 2/5 योगी आपकी, तो ये बोल रहा है मोहन की आय श्याम की आय से, जो मोहन है और श्याम है, तो श्याम की आय से 40% अधिक है, तो 5 का 40% कितना होगा 2 अधिक, तो कितना होगा 7। तो आगे पूछ रहा है श्याम की आय मोहन की आय से कितना परसेंट कम है, जीरो कितना कम है 2, कितने पर 7 पर × 100। अब इसको सॉल्व करोगे तो अगर काटोगे तो 200/7, अब इसमें भाग करोगे 7 × 14 6 बचा आपका 7 × 8 56 4/7 ये आपका आंसर आएगा। अभी आपको समझ में आया होगा, कोशिश कीजिए कि आपको जितना कराया हो आपको समझ में आ जाओ, तो आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।